तो एक बार कोई बच्चा बीमार हो गया था, सर्दी का टाइम था, लगभग 11-12 बजे थी, थोड़ा सा फीवर था उसको और सर दर्द कर रहा था। तो उसने चाय की डिमांड की, पास में बॉस का घर है वहाँ से गार्ड रूम से चाय बना के लेके आए और उसको चाय पिलाई। क्या बात, एकदम पेरेंटल केयर, मतलब केयर तो इतनी शानदार की। जो 11वीं 12वीं से पढ़ रहा CLCA में, आज बीकानेर में अपना एमबीबीएस कर रहा है, विष्णु को माइक दें। विष्णु सीकर रहा, हॉस्टल में रहा, तो प्लीज विष्णु आप अपनी यात्रा को बताएं। एक बार ताली बजा जोड़ दे बच्चे के लिए। हाँ बेटा, धन्यवाद बॉस, जय CLCA, सभी को मेरा प्रणाम। और मैं बॉस के पास 2 साल रहा था सीकर। पहले साल में मेरे 570 मार्क्स थे 2019 में और कट ऑफ 580 थी। तो उस टाइम यूँ था कि मार्जिनल केस था कि सिलेक्शन हो जाएगा नहीं भी हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा क्यों चुपचाप सा डिप्रेशन में ही था कि हाँ होगा कि नहीं होगा, दोबारा करूँ कि नहीं करूँ। तो उस टाइम बॉस के 3-4 बार फ़ोन आए कि सीकर सीकर आ जा। मैंने कहा ठीक है। पापा ने उस टाइम कहा कि मतलब बीकानेर ले, 1 साल तूने सीकर कर ली कोचिंग, अब बीकानेर ले ले। तो मैंने उस टाइम एक ही बात बोली थी, मैंने कहा अगर दोबारा करना है तो मैं CLCA सीकर ही करूँगा या तो करूँगा ही नहीं। अब ये लगा मेरे CLCA के प्रति क्यों था, इसके कुछ पॉइंट्स है वो बता देता हूँ। पहला तो एक वहाँ केयर थी। केयर कैसी थी, इसका एग्जांपल है हमारे हॉस्टल में रामस्वरूप जी वार्डन सर हैं। तो एक बार कोई बच्चा बीमार हो गया था, सर्दी का टाइम था, लगभग 11-12 बजे थी, थोड़ा सा फीवर था उसको और सर दर्द कर रहा था। तो उसने चाय की डिमांड की, सर ने कहा चाय पीनी है। हाँ सर, अब चाय दुकान वुकान सारी बंद हो गई थी और हॉस्टल में चाय बनती नहीं थी और टाइम टाइम से आती थी सुबह और दिन में। अब तो रामस्वरूप जी उस टाइम 11:30 से 12 बजे के आसपास नीचे पास में बॉस का घर है वहाँ से गार्ड रूम से चाय बना के लेके आए और उसको चाय पिलाई। क्या बात, एकदम पेरेंटल केयर, मतलब केयर तो इतनी शानदार की, मतलब एकदम पारिवारिक माहौल। मैं तो वहाँ होली की छुट्टियों पर भी घर नहीं आया था, वहीं रहा था। और अगर रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें CLCA की, तो यूँ था कि हम हॉस्टल से निकलने पर हमारी अटेंडेंस होती थी, वहाँ एकदम रजिस्टर में नाम लिखा जाता कि विष्णु हॉस्टल से निकल चुका है। और उसके बाद CLCA में बायोमेट्रिक थी, अंगूठा लगता था कि हाँ ये CLCA पहुँच चुका है। और शाम को फिर वो लिस्ट आती थी हॉस्टल में और क्रॉस चेक होती थी कि ये बंदा हॉस्टल से निकल गया और ये क्लास गया है, तो उससे कोई गड़बड़ी नहीं होती थी। यानी पेरेंट्स के मन में एक डर रहता है कि ये बच्चा बिगड़ जाएगा बाहर जाके, उसकी केयर कौन करेगा, वो क्या किसकी संगत में रहेगा। तो बिल्कुल एकदम के हॉस्टल से निकलने के बाद हाँ वो वन वे ही था कि CLCA जाना ही है उसको, पूरी शाम को एकदम क्रॉस चेक। और उसमें कोई पकड़ा जाता फिर घर पर सीधा कॉल जाता था। और असेंबली की, तो हाँ असेंबली का यूँ था कि मतलब 15-20 मिनट की असेंबली लेने के बाद यूँ था कि 7-8 घंटे बस नींद लेके ही उठे, इतना रिफ्रेशमेंट, इतना बॉडी एनर्जी हो जाती। सुबह की क्लास ली हुई, दिन में पढ़ा हुआ, अरे एकदम थोड़ा सा यूँ थक ही जाता है, ब्रेन भी थक जाता है। पूरी असेंबली में 15-20 मिनट बैठने के बाद यूँ इतनी ताकत आ जाती थी कि हाँ 7-8 घंटे और आराम से पढ़ सकते हैं रात की नींद से पहले। और फिर रात की नींद के बाद सुबह वापस वही रिफ्रेशमेंट, तो 2 तरह का रिफ्रेशमेंट हो गया। तो असेंबली हनुमान चालीसा करते हैं, और हनुमान चालीसा यूँ था कि मैं अभी घर पर करता हूँ, डेली करता हूँ मैं, लेकिन जो उस ग्राउंड में बैठ के जो फील आया था ना मेरे को, वो यहाँ घर पे कभी नहीं आया। जो बॉस के साथ बैठ के वहाँ सब बच्चों के साथ बैठ के जो फील आता था ना, वो कभी नहीं आया। और बॉस की केयरिंग की बात करें तो हमें डेली 15-20 दिनों में एक बार घर बुलाते थे और वहाँ एकदम मार्क एनालिसिस किए जाते कि कितने नंबर आए हैं। और बॉस एक ही बात कहते थे, अगर किसी के 680 है तो तेरे इतने नंबर कम क्यों हैं, कट कहाँ रहे हैं, मेरे को बता, प्रॉब्लम बता, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, किस टीचर से तेरे को डाउट पूछना है, तू तो बस वो नाम बता दे, बाकी मैं कर लूँगा। और बाकी कैंप तो CLCA का अल्टीमेट था ही, और लास्ट तक जाते तो कैंप और शानदार था, क्योंकि साहब पास में कैंप से गेट से कमरे से निकलते ही डाउट काउंटर सामने, आपको कैंप के दौरान स्टडी कर रहे हो और आपको कोई भी डाउट आ गया तो आप सीट से उठो, 5 मिनट में अपना डाउट पूछ के आगे वापस चुपचाप सीट में बैठ जाओ। एकदम टाइम होता था कि इस टाइम में अपन डाउट पूछ सकते हैं। तो कैंप का हो गया। और लास्ट में मैं नीट एस्पायरेंट जो भी देख रहे हैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अच्छा पढ़ें, अपनी मेंटल हेल्थ को स्वस्थ रखें, और एक है कि क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करें, जितने भी है क्वेश्चन CLCA के हैं और बाकी जो भी कोई इधर उधर आप गाइड रेफर करते हो तो उनके बढ़िया क्वेश्चन सोल्व करें। और एक छोटा सा ग्रुप बनाएं 5-6 मित्रों का, जैसे मेरे पास ही करण बेटा है, करण बाम्बू था, प्रवीण था, अभिषेक था, हम सारे साथ रहते थे। तो हम पेपर देने से पहले हमारी शर्त लगती थी कि जिसके कम नंबर आएगा ना वो सबको जूस पिलाएगा। तो इससे यूँ होता था कि हम कैंप में कि इससे ज़्यादा पढ़ूंगा कि जूस कल उसको भी पिलाना पड़ेगा, यूँ शर्त लगा के जाते थे कि हाँ इसको तो जूस पिलाना ही है कल। तो एक छोटा सा ग्रुप बनाया, ज़्यादा नहीं, ऐसे 3-4-5 बस, मैक्सिमम 5 यार, एकदम साथ रहो, जिससे यूँ होगा कि आपको डाउट
डाउट के लिए आप एकदम आसानी से, क्योंकि हर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा पांचों बैठ के सोल्व ना कर सको। और बाकी तो सीएलसी के इतना, हाँ मैं क्वेश्चन पर ज़्यादा प्रैक्टिस करता था, तो मैं दिन में दो पेपर देता था, एक तो डेली टेस्ट सीरीज चलती थी सीएलसी की, जब लॉकडाउन था तब तो सीएलसी डेली टेस्ट सीरीज चलती थी, एक सीएलसी के मतलब इलेवंथ के वो टेस्ट सीरीज थी वो खूब पड़ी थी। तो मेरा यूँ था लास्ट तक जाते मैं दिन में दो पेपर देता था, फिर भी मैं उन टेस्ट को ख़त्म नहीं कर सका, यानी इतना मैटर पड़ा है ऑनलाइन सीएलसी द्वारा कि मैं उनको ख़त्म ही नहीं कर सका। और बाद में जो मैं नीट का एग्ज़ाम दिया तो मेरे यूँ ही थे यार ये तो ये देखा हुआ है, ये भी देखा हुआ है, ये भी देखा हुआ है, बहुत एकदम यूँ कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं था, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। धन्यवाद, थैंक यू।